तो गाइस पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने जैसा कि देखा कि मैं ज्वाइन करता हूँ एक हेडस्टील सर्वर जिसके अंदर हम हेड्स के बदले सामान को ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए मैं बहुत सारे हेड्स को ड्यूप करता हूँ जिससे मैं ओनर की नजरों में आ सकूं, क्योंकि गाइस इस सर्वर के अंदर जो ओनर है वो सीक्रेटली कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है और मेरा टास्क बन जाता है ओनर को इस सर्वर से परमानेंटली बैन करना। सारा कुछ सामान ग्राइंड करके मैं ओनर तक तो पहुंच जाता हूँ और ओनर जो कि था रोथेस्ट वो अपने दो बंदों को बुला लेता है और फिर मैं और सेनपाई मिलकर उन दोनों को मार देते हैं। पर उस फाइट के दौरान रोथेस्ट भाई बच जाते हैं और वो एक ऐसे प्लेयर को समन करते हैं जिसने सबसे ज्यादा डेडलीस्ट आर्मर पहना हुआ था और ऐसा आर्मर मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में कभी भी नहीं देखा था। अब इस सिचुएशन में आगे मैं क्या करने वाला हूँ वो तो इस एपिसोड में पता चलेगा। और हाँ गाइस, एक और खास बात, इस वाली सीरीज का मेरे को क्या नाम रखना चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। जो भी नाम मेरे को बेस्ट लगेगा उसको मैं इस सीरीज का नाम रख दूंगा, तो कमेंट करके सजेशन देना मत भूलना। और हाँ गाइस, एक और खास बात, ये वाला एपिसोड को आने में ऑलरेडी एक महीना हो चुका है और अगर इस वाले एपिसोड पे 40K लाइक्स नहीं होंगे ना तो मैं बोल रहा हूँ अगला एपिसोड नहीं आने वाला। तो जल्दी जाओ और इस वाली वीडियो को लाइक करो अगर आपको इसका एपिसोड 3 चाहिए। एक सेकंड भाई, तुम कौन हो? ब्रो व्हाट? पहचाना नहीं क्या योग? अबे ओसिरिस तुम? हाँ मैं, तेरे लिए एक तोहफा है मेरे पास। कौन सा भाई? एक सेकंड। हेलो योग। एक सेकंड, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया ओसिरिस? क्यों मेरी आवाज चेंज हो गई क्या? अबे ये क्या हो गया तुम्हें? अब तेरी मौत मेरे हाथों होगी योग। क्या क्या मतलब? दम है तो बच के दिखा। व्हाट? अबे तेरी की ओसिरिस, ये क्या है? अबे पागल पागल हो गए क्या तुम? ओ शिट, ओके ओके, मैं अबे यहाँ पे दो वार्डन समर। अबे ओसिरिस कहाँ पे गया? शिट शिट, विजय स्टेटस, विजय स्टेटस। ओके कर लिया, लेट तो, खोलो भाई ऊपर का खोलो। अबे अबे भाई डार्कनेस लग गई भाई। एक सेकंड ब्रो, व्हाट द हेक भाई, जैसे तैसे बचा मैं। भाई साहब क्या था वहां पर, क्या पैसा? तुम्हें पता है भाई ओसिरिस को कुछ तो हो गया है भाई, उसने कुछ तो खतरनाक वाला आर्मर पहना और उसके बाद उसने पता नहीं कुछ तो चलाया लेजर सा और वो मेरे ऊपर आया एंड मेरे पे अचानक से दो तीन वार्डन समन हो गए और पता नहीं कुछ तो हुआ भाई, बहुत खतरनाक अटैक हुआ अभी मेरे पे। अगर तुम स्टेटस नहीं करते ना मैं मर चुका था भाई, लिटरली। भाई साहब सही टाइम पे कर लिया, मैंने जान दे दिया वो कसम से। हाँ यार भाई मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, ओसिरिस का कुछ तो गलत सीन हुआ है पता है। आई गेस उसके साथ उसको या तो हिप्नोटाइज किया गया या फिर आई डोंट नो व्हाट, पर वो भी सही हालत में नहीं है भाई, ही इज नॉट एट ऑल वेल। भाई उसके बोलने का तरीका पता है, उसने वो बिना हेलमेट के नॉर्मल आवाज में बोल रहा था और जैसे उसने हेलमेट पहना उसकी आवाज को कुछ हो गया। तो कहने का क्या मतलब है भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वक्त मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ओसिरिस को अचानक से हो क्या गया है, मतलब भाई ओसिरिस लिटरली रोथेस्ट के कंट्रोल में आ चुका था और उसने मेरे पे अटैक भी किया था। तो उस बात को साइड में रखकर हम लोग अपने बाजू वाले घर के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं। ओसिरिस की ये हालत मेरे को लिटरली समझ में नहीं आ रही थी कि उसको हो क्या गया है, पर आखिरकार मैं क्या जानूं कि इस सब के पीछे एक बैक स्टोरी है। ओके तो फाइनली हमने ओसिरिस के हेड को जैसे तैसे ऑब्टेन कर लिया है और अभी वक्त आ गया है इस सर्वर में मेरा सबसे बड़ा हथियार यूज करने का। सो ओसिरिस, मैं तुम्हें इस सर्वर में डार्क वर्ल्ड की सारी शक्तियों को यूज करके फिर से रिवाइव कर रहा हूं। कौन हूँ मैं और कहाँ पे हूँ और तुम कौन हो रोथेस्ट? वेलकम बैक ओसिरिस, याद नहीं क्या मैं कौन हूँ? नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं सिवाय इसके कि मुझे किसी युग ने मारा। यस तुम्हें युग ने मारा और याद नहीं तो मैं याद दिला दूँ तुम्हें कि युग ने तुम्हारे अलावा हमारे एक भाई को भी इस सर्वर से मार दिया। मेरा कोई भाई था? हाँ ओसिरिस, तुम इस वर्ल्ड में मर गए थे और मैंने तुम्हें वापस रिवाइव किया है। और अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं बता दूँ कि तुम्हारे साथ साथ इस वर्ल्ड में हमारा एक और भाई भी मारा गया। मतलब हम दोनों भाई हैं? यस फाइनली तुम्हें याद आ गया है। अगर याद नहीं भी आए फिर भी याद करने की कोशिश करो कि तुम युग के हाथों मारे गए थे। युग युग युग, कौन है ये युग जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे ओसिरिस एक सेकंड संभालो यार खुद को, क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे बस बदला लेना है, मेरी मौत का बदला, मेरे भाई की मौत का बदला और हर एक चीज का बदला जो उसने किया है हमारे साथ। मरेगा युग प्लीज मेरे हाथों से। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो बिल्कुल करेंगे। मुझे मार दो और मुझे तब रिवाइव करना जब युग तुम्हारे सामने हो और मैं उसे एक झटके में हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मतलब ये तुम करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम भाई हो मेरे, अब मेरी मेमोरी नहीं जाएगी, मारो मुझे। और इसी तरीके से रोथेस्ट भाई ने ओसिरिस को मार दिया और ओसिरिस का हेड रोथेस्ट भाई के पास आ गया।
ओसिरिस को ये लोकेशन तो नहीं पता ना, कहीं यहाँ पर आ जाए भाई? नो आइडिया भाई, नो आइडिया, वो बहुत बदल चुका है भाई, आई डोंट थिंक सो। उसको ऐसा ना हो कि ये लोकेशन ना पता, उसको पता तो होगा ही ऑफ कोर्स। वही ना भाई, आ ना जाए यार वो। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये आर्मर ओसिरिस को कंट्रोल कर रहा हो, और ओसिरिस रोथेस्ट की बातें क्यों मान रहा था ये भी मेरे को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ओसिरिस ने तो मेरे को पहचान लिया था, तो मेरा तो घर से बाहर निकलना इस वक्त जरा भी सेफ नहीं था। तो मैं विजय को घर से बाहर भेजता हूँ देखने के लिए कि स्पॉन पर क्या चल रहा है, और वहां पे उसे ओसिरिस मिलता है। एक सेकंड, यहाँ पर ओसिरिस खड़ा है, रुको यार इससे बात करते हैं ना, थोड़ी सी जानकारी निकालते हैं। वेट, हेलो ओसिरिस। हेलो भाई, चल क्या रहा है भाई? क्यों भाई, युग को क्यों मारा तूने? अटैक क्यों करा उस पर? क्या चल रहा है ये आर्मर, क्या सीन है भाई, कुछ बता भाई। देख विजय, कभी हम दोनों दोस्त थे तो तुझे इस बार मैं जिंदा छोड़ दूंगा। तुझे बस इतनी सी वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम और युग जितना जल्दी हो सके ये स्पॉन खाली कर दो, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। पर तुझे हुआ क्या है? एक माइनक्राफ्ट का दिन दिया तुझे, उसके बाद अगर तुम दोनों में से कोई भी यहाँ दिखा तो फिर किसी और को कभी नहीं दिखेगा। अब ऐसा लग रहा था कि स्पॉन पे रहना भी हमारा खतरे से खाली नहीं होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द अपने एक सेफ बेस में घुसना पड़ेगा जहाँ पे हम सारी प्लानिंग कर सके। यहाँ पर देख, एक सीक्रेट सेफ बेस है, वहाँ पर चलते आजा नीचे। स्पॉन पर वैसे भी सेफ नहीं रहेगा अपने लिए। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर से कवर ही कर देता हूँ, उसे ब्लॉक डाल के, ताकि अभी के लिए अपन थोड़ा सेफ रहे, क्योंकि अगर ओसिर से उसके बंदे आते हैं तो दिक्कत हो सकती है। सर चलते हैं नीचे। तुमने कब बनाया वैसे? वो ब्रो भाई, तुमने ये कब बनाया? और एक स्क्रीन, कौन से ब्लॉक्स है भाई, ये टूट भी नहीं रहे। अरे ये नहीं टूटेंगे भाई, बहुत मजबूत ब्लॉक है भाई ये। वो ब्रो, प्लानिंग वगैरह सब तगड़ी चल रही है भाई यहाँ पे। तुम लाइक क्या सही वेज है भाई, ये सब किया कब मैंने? तो तुम्हें कुछ ही टाइम पहले रिवाइव किया। हाँ बट तूने जैसे रिवाइव करा तो मेरे को पता लगा कि ओसिरिस के साथ ये सब हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कुछ तो डिफेंस में होना चाहिए अपने लिए भी। युग वैसे एक बात बताएगा मेरे को? बताओ बताओ। मतलब जो ओसिरिस है उसने अटैक किस टाइप का करा तेरे पे? मतलब इतने सारे मॉब्स कैसे आए? यस एक्चुअली क्या सीन था, मैं उसके पास गया एंड स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल था जब तक उसने वो हेलमेट नहीं पहना। जैसे ही उसने वो हेलमेट पहना उसके बाद उसने कुछ तो बटन वगैरह दबाया जिससे उसने एक लेजर छोड़ी, और वो लेजर जैसे ही मेरे को हिट हुई अचानक से बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए आउट ऑफ नोवेयर। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मॉब्स कैसे स्पॉन हुए, दो तीन वार्डन्स लाइक कैसे आ सकते, कुछ तो अजीब शक्ति है भाई उसके पास, वो बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है यार। ओके मतलब लेजर जैसे हिट हुई तो तेरे पास मॉब्स आ गए एकदम से, है ना? हाँ। इसके लिए डिफेंस के लिए कुछ सोचा तूने? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, अभी तक मैंने कुछ सोचा है। तूने एक चीज नोटिस करी? क्या क्या? देख जैसे वो लेजर हिट करी तेरे पास मोब आए। हाँ। वो एक बार ना हिट करे तो लाइक तुम्हारा मतलब है क्या हम उसे ब्लॉक कर पाए तो? हाँ हाँ, मतलब उस लेजर को कैसे जैसे करके रोक पाए सामने से, ऐसे करके ऐसे जैसे शील्ड से अपन रोकते हैं। तो फिर हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि क्या हो अगर हम शील्ड को टेस्ट करें, अगर शील्ड काम करती है तो इसका मतलब वो अटैक हम ब्लॉक कर पाएंगे। बट इसके अंदर रिस्क बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर शील्ड बाय चांस काम नहीं करती है तो बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो जाएंगे और हमारा मरना पक्का है। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक डमी को लाएंगे सर्वर के अंदर जिसने मेरी स्किन पहन रखी होगी, जिसको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैं जाऊंगा उस रिस्क के पास और चेक करूंगा कि शील्ड उस अटैक को ब्लॉक कर पाती है या फिर नहीं। अब अगर मेरा डबी माय चांस मर भी जाता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, कॉज मेरी मेन आईडी सर्वर के अंदर महफूज है। ओके युग, एक डमी आईडी बना दे एंड फिर साथ में चलते हैं आजा। चलो लेट्स गो, मैं आता अपनी डमी आईडी से। देन गाइस, मैं अपनी एक फेक आईडी क्रिएट करता हूं एंड उसको सर्वर में लॉग इन करवाता हूं। ओके यहां पर ओसिरिस खड़ा है। एक सेकंड, ये कुछ तो कर रहा है भाई। ओके युग का डमी कहां है? ओके आया आया है, सामने से आया। ओके तो गाइस मैं फाइनली अपनी डमी आईडी से आ चुका हूँ, लेट्स सी अभी आगे चलते हैं। बस मेरे को ये चेक करना है शील्ड काम करती है कि नहीं। ओके ओ शिट, उसने शायद देख लिया। ओ शिट, उसने ब्रो व्हाट, अबे शील्ड तो काम ही नहीं कर रही भाई। ओ शिट भाई साहब, मतलब शील्ड नहीं रोक पा रही है उसको भाई। आई थिंक मर गया शायद वो, क्योंकि वो लड़ रहा भाई। मर गया भाई, ये शील्ड मतलब रोक नहीं पा रही, ये प्लान फेल हो गया भाई, ये प्लान फेल हो गया। अबे विजय शिट यार, वो वाला प्लान तो फेल हो गया भाई, शील्ड भी उसको रोक नहीं पा रही है यार। कोई दूसरा प्लान देखना होगा, कुछ है क्या तेरे दिमाग में? अभी के लिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या किया जाए क्या किया जाए। और तुमने ये नोटिस किया, ओसिरिस ने पूरे स्पॉन पर युग प्लेस वांटेड डाल रखा है, पता है? किल एट साइट, मतलब अगर स्पॉन पे कोई नॉर्मल बंदे ने अपने को देख लिया ना, अपन एक सेकंड में मरने वाले, तो ये स्पॉन अपने लिए सेफ नहीं है, विजय तुरंत स्पॉन से निकलना पड़ेगा। वही भाई, कोई सीक्रेट जगह बनानी पड़ेगी सेफ वो भी। हाँ वही वही, मेरे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। पर अभी के लिए ना अपने को ये सोचना है कि हम उसका अटैक ब्लॉक करके ओसिस को खत्म कैसे करें, या तो अगर हम उसे खत्म ना भी कर पाए ना विजय, तो अगर हमने एक बार को वो आर्मर उससे अलग कर दिया तो आई गेस उसकी आधी शक्तियां तो वही खत्म हो जाएगी। वैसे युग एक बंदा है जो अपनी मदद कर सकता है। कौन? तू भूल गया क्या, यहाँ का मशहूर साइंटिस्ट? कौन? अरे तेरे को याद नहीं है भाई, याद करना। यार मेरे को
इतना कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा, तुम्हें लोकेशन पता है क्या उसकी? हाँ हाँ मैं बताता हूँ, वहाँ लेके चल। हाँ ठीक है। इस वक्त हम पूरी तरीके से क्लूलेस हो चुके थे, ओसिरिस को कैसे डिफीट करना है इसका आइडिया हमें जरा भी नहीं था, क्योंकि नॉर्मल शील्ड भी उसका अटैक रोक नहीं पा रही थी। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसकी शक्तियाँ कितनी ज्यादा है, और हमें किसी एक ऐसे एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए थी जो पहले भी इस टाइप के केसेस संभाल चुका हो। तो विजय मेरे को एक ऐसे ही एक्सपर्ट के पास ले जा रहा था जो इस मिशन में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके विजय चलते हैं। भाई यहाँ पे ही होने वाला है क्या कुछ जो तुम बता रहे हो, बेस वगैरह? यस यस भाई, आ जा बस पीछे आ जा, पहुंचने वाले हैं बस। वो यहाँ पे आसपास इतने घने पेड़ है इसके अंदर। ओ वेट वेट, ये क्या एंट्रेंस? यस यही है एंट्रेंस भाई। भाई पर ये तो लॉक्ड है। अरे इसका पासवर्ड, रुक जा मेरे पास है, मेरे को भेजा था बहुत पहले, मेरी बात हुई थी ना तो मेरे को पासवर्ड बताया था इसका। इसका पासवर्ड डाल 5567 डाल 5567। ओके ओ खुल गया खुल गया, आ जाओ जाओ लेट्स गो। ओके इसका भी पासवर्ड, इसका पासवर्ड क्या है भाई, इतना इतना सिक्योरिटी? अरे सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है भाई यहाँ पर। इसका पासवर्ड है 0023। 0023 चलो ठीक है, आ जाओ जाओ लेट्स गो। चल 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 चलते हैं भाई, पक्का कुछ खतरा तो नहीं होने वाला ना? अरे नहीं भाई विश्वास कर यार मेरे पे। हाँ ठीक है ठीक है। वो आ तो चुके भाई, इतना सब कुछ, इतना हाईटेक। और वेट जंकी हेलो। यो यू विजय कैसे हो? बढ़िया जंकी भाई, कैसे हो कैसे हो आप बताओ भाई। मैं मस्त हूं, इतना लेट क्यों आए तुम? फिर गाइस मैं और विजय मिलके जंकी भाई को पूरी की पूरी सिचुएशन उस वक्त एक्सप्लेन कर देते हैं। यस यस मैंने सुना उसके बारे में, बहुत न्यूज फैल चुकी है। तो क्या था ना एक्चुअली, देखो जंकी भाई हम गए उसके पास और हमने सोचा कि नॉर्मल शील्ड से उसका अटैक ब्लॉक करने की ट्राई करते हैं, पर अफसोस वो अटैक ब्लॉक नहीं हो पाया और उसकी लेजर हम पे टच हो गई। हाँ सबको पता है यार, मतलब वो बहुत स्ट्रांग बंदा है, वो नॉर्मल शील्ड उस पे काम नहीं करेगी, तोड़ देगा वो 2 मिनट में। भाई तो अब हम कैसे करें, रोके कैसे उसे? अरे मुझे पता था तुम लोग को मेरी जरूरत पड़ेगी यार, वो बहुत स्ट्रांग बंदा है यार। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बट मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर पाऊंगा। अच्छा, बाकी सब काम तुम्हें करना होगा। ओके ओके तो बताओ जंकी भाई हमें करना क्या होगा? तो देखो गाइस एक्चुअली में उसकी जो क्या कहते हैं लेजर है वो बहुत स्पीड में आती है, एंड नॉर्मल शील्ड उसको रोक नहीं पाएगी क्योंकि नॉर्मल शील्ड तो वुड की होती है ना, इसलिए तुम लोग को एक कस्टम शील्ड की जरूरत पड़ेगी। ओ, yes. पर उसको हम कैसे बनाए? इसके लिए तुझे वो लेजर की जो मेजरमेंट है, स्पीड की मेजरमेंट, वो मुझे देनी पड़ेगी, एंड फिर उससे मैं कुछ ना कुछ अच्छा शील्ड बना पाऊंगा। वो पर उसकी लेजर का मैं मेजरमेंट दूं कैसे, तो ये कैसे होगा? अटेंशन मत ले युग, उसके लिए मेरे पास एक यंत्र है, मैं तुझे वो दूंगा, बस उसे तुझे ना राइट क्लिक करना है उसके अटैक पे, उससे तुझे स्पीड पता चल जाएगी उसकी। ओके दे दो मस्त है। एंड ये लो, ये रहा वो डिवाइस। ओके विजय ये डिवाइस बहुत हेल्प करने वाला है। यप यप जाओ काम करके आओ, लेके आना मेजरमेंट। आते हैं जंकी भाई, बस यू गए और यू आए, ठीक है थैंक यू। ओके लेट्स गो बाय बाय। तो गाइस मेरे पास एक ऐसा यंत्र आ चुका था जिससे मैं उस लेजर लाइट की स्पीड को मेजर कर सकता हूँ, तो अभी मैं फटाफट से जाऊंगा ओसिरिस के पास अपनी डमी आईडी को लेकर और चेक करूंगा कि उस लेजर की एक्चुअली में स्पीड कितनी है, एंड उसके बाद गाइस मेरे पास एक ऐसी कस्टम शील्ड आ जाएगी जिससे मैं उसके अटैक्स को ब्लॉक कर पाऊंगा। ओके गाइस मैं भी फिलहाल डमी आईडी से तो आ चुका हूं, और ये देखो भाई मेरे पास है ये सेंट्री रिमोट एक्सेस टूल। अब मैं क्या करने वाला हूं ना, इससे मैं मेजर करूंगा कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है? तो ओके अभी चलते हैं ओसिरिस के पास, वो उधर ही कहीं घूम रहा है, चलते और राइट क्लिक करते हैं। वो जैसे ही मेरे को देखेगा ना वो मेरे को अटैक करने वाला है, तो अपन को रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है? ओके इस रिमोट को उसके पास ले चलते, थोड़ा सा उसके रेडियस में आ जाते हैं। ओके एंड अभी राइट क्लिक करते लेट्स गो। चलो तो अभी एक्टिवेट हो चुका है। अब वो जैसे ही मेरे को वो लेजर फेंकने वाला है ना, उसके ऊपर मेरे को डिस्प्ले होकर स्पीड आने वाली है, ठीक है? तो उससे थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे रहता हूं। ओके ओके लेट्स गो। उसने मेरे को देख लिया, वो हेलमेट पहनेगा और अटैक करेगा मेरे पे। कम ऑन। और ये देखो हेलमेट पहना उसने, 86 किलोमीटर पर आर, लेट्स गो। समझ गया। ओ भाई जल्दी लॉग ऑफ कर दिया भाई मैंने, लिटरली भाई सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे। तो उसकी गाइस मैंने स्पीड वहां पे चेक करी, 86 किलोमीटर पर आर था कुछ, ठीक है? ओके तो गाइस फाइनली अपने को उसकी स्पीड पता लग चुकी है, चलते हैं जंकी के पास और उसको स्पीड बताते हैं। ओके विजय अपने पास फाइनली मेजरमेंट्स आ चुके, चलते भाई फटाफट से और जंकी को दे देते हैं ताकि वो फटाफट से ना शील्ड पे काम स्टार्ट कर दे, ठीक है? यस यस लेट्स गो। चल भाई नीचे चल भाई, कितना हार्ड था यार उसको मेजर करना। चलो जैसे तैसे हो तो गया ना भाई, बस उतना ही मेन है अभी के लिए, तो चलते हैं फटाफट से, ठीक है? आजा नीचे चल चलते। हेलो जंकी भाई आ गए, तुम मेजरमेंट लाए कि नहीं? यस भाई लाए है। उसकी स्पीड पता है 86 किलोमीटर पर आ रहे जंकी भाई। भाई कुछ ज्यादा फास्ट यार, दो दे दो मेजरमेंट तो। हाँ ये लो डिवाइस के अंदर है। थैंक यू अभी बस मुझे एक दिन का समय दो, मैं पूरा अच्छी वाली शील्ड बना के तुमको दे दूंगा। ओके एंड तुम बाहर मत जाना अभी के लिए, एक दिन अंडरग्राउंड ही रहो तुम, बहुत मोस्ट वांटेड बन चुके हो तुम लोग पूरे SMP में। ओके वो तो हाँ, वो तो मैं भी देखा स्पॉन पे, हर जगह हमारे पोस्टर्स लग रखे हैं। हाँ तो आज यहीं पे आराम करो या फिर संभाल के रहना। हाँ ठीक है चलो आप भी ध्यान रखना, ठीक है? हम आते हैं कल शील्ड लेने, ठीक है?
चलो बाय। ओके गाइस चलते हैं, पूरा का पूरा एक दिन बीत चुका है। चल के एक सेकंड ये बंकर के एंट्रेंस को क्या हो गया भाई, ये टूट फूट कैसे गई है, ये ट्रैप डोर भी, और एक सेकंड सब नीचे ठीक तो है ना, कुछ हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है। वेट लेट मी चेक, व्हाट भाई ये पूरा बंकर तोड़ दिया किसी ने भाई, पूरा बंकर ही तोड़ दिया। एक सेकंड, अबे ये सब चल क्या रहा है भाई, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, सेफ था बंकर, इसकी लोकेशन कैसे किसी को पता लग गई। गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ हुई है। शिट भाई, उस रिस के बंदे क्या आ गए थे क्या यहाँ पे। वीट वीट भाई, मैं जंकी भाई को कॉल लगाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है यार यहाँ पे। विजय को भी ऐड करता हूँ, रुको भाई क्या हो गया भाई, मैं तो शील्ड लेने आया था। अरे जंकी भाई आपके बंकर को क्या हो गया भाई, वो पूरा फूट रखा है। अरे यार ओसिरिस को पता चल गया यार मेरे इस शील्ड के बारे में, उसने बंदे भेजे मेरे बंकर में, पूरा बंकर फोड़ दिया। क्या? अरे भाई शील्ड ले गए वो। हाँ यार उससे सब कुछ ले गए यार, किसने इन्फॉर्मेशन दी यार, तुम लोग ने तो नहीं दी। नहीं नहीं अरे हम कैसे हो सकते हैं, हम तो खुद उसके खिलाफ है भाई, किस पे भरोसा नहीं कर सकता अब मैं। अरे यार देखो जंकी भाई, आपके पास कुछ है क्या जिससे हम पहुंच सके उन बंदों तक। आयुक वेट, मेरे सीसीटीवी में कुछ तो रिकॉर्ड हुआ रहेगा, अगर वो अगर हुआ है तो मैं देखो भेजता हूँ। ठीक है हाँ हाँ ठीक है, वो जल्दी से भेजो, क्या पता उससे कुछ मिल जाए। थोड़ा टाइम दे मैं देखो भेजता हूँ। हाँ ठीक है डिस्कॉर्ड में भेजता हूँ। ओके इस वक्त जंकी का पूरा बंकर डिस्ट्रॉय हो चुका था, और मेरे को कोई भी क्लू नहीं था कि ये किसने किया है, पर जंकी का शक जा रहा था ओसिरिस पे, ये पक्का ओसिरिस का काम हो सकता है। तो जंकी ने अभी मेरे को कुछ सीसीटीवी की फुटेजेस भेजी है, आओ उनको चेक करते हैं उसमें क्या क्या कैप्चर हुआ है। ओके देखते हैं गाइस, ये रहे रिकॉर्डिंग, अबे ये रहे तीन भाई, ये देखो अबे तो फोड़ रहे बंकर के एंट्रेंस को। ओके ये एक तो ओसिरिस है, और ओके ये दो रौनक और ऋषभ, आई गेस एसी के ही दो बंदे हैं। ये बेस के अंदर घुस के कर क्या रहे, लो भाई टीएनटी प्लांट कर रही है, तो भाई सारे आम फोड़ा जा रहा है भाई बेस को, टीएनटी डाल रही है, तो देखो बाप रे गया भाई बेस गया भाई, मतलब ओसिरिस को लोकेशन पता लग गई थी पता है जैसे तैसे। तो इस वक्त हमारा बेस तो फूट चुका था, और शील्ड भी हमारे हाथ से जा चुकी थी। इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था जिससे हम ओसिरिस को रोक सके, मुझे वो शील्ड को हर हालत में ऑब्टेन करना पड़ेगा, पर मेरे पास उसका कोई भी क्लू नहीं है कि वो शील्ड इस वक्त कहाँ पे होगी, या क्या पता ओसिरिस ने डिस्ट्रॉय कर दी हो। तो इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, एंड मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। अबे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, एक तो शील्ड वहां से चोरी हो गई भाई, क्या ही करूं भाई, लिटरली कोई ऑप्शन नहीं, और यहाँ पे स्पॉन पे एक तो इसने वांटेड बना के रखा है, स्पॉन पे घूम भी नहीं सकते यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ भाई। शील्ड तक पहुंचू कैसे, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि शील्ड कहाँ पे होगी भाई, अभी अभी स्पॉन चेक करके आ रहा हूँ, वहां तो मिली नहीं, कहाँ पे होगी शील्ड। वैसे अभी कोई ऑनलाइन नहीं है सर्वर में, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस मैं इस तरीके से सर्वर के अंदर टहल ही रहा था उस शील्ड के लिए, पर उसी वक्त गाइस मेरे को एक मेल आता है। ओके गाइस मेरे को एक अननोन सोर्स से अभी एक मेल आया है, यहाँ पे लिखा है कॉर्ड्स और कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले मेरे को, 76453 और -943, टेक योर शील्ड इफ यू थिंक यू कैन, ऑल दी बेस्ट। व्हाट मेरे कोई चैलेंज करेगा ओसिरिस, उसको लगता है कि मैं मेरी शील्ड उससे छीन नहीं पाऊंगा, देखते हैं बेटा इस कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि उस लोकेशन पे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी, तो इसलिए मैं बैकअप के लिए थोड़े बहुत पोशंस रेडी कर रहा था स्ट्रेंथ के, ताकि अगर वहां पे कोई लड़ाई वड़ाई का सीन होता है तो मैं इजिली खुद को डिफेंड कर सकूं। देन उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और गोल्डन एप्पल्स को क्राफ्ट कर लिया, जिससे कि मैं कोई भी चांस से मरूं ना, क्योंकि अगर मैं बाय चांस मर जाता हूं मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं है गाइस, सही में मैं परमानेंटली सर्वर से बैन हो जाऊंगा अनटिल एंड अनलेस कोई मेरे को रिवाइव नहीं करता। और इस मिशन में मैं विजय को साथ में नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें खतरा बहुत है, और अगर हम दोनों में से दोनों ही बैन हो जाते हैं तो हम दोनों को वापस लाने वाला कोई नहीं है, तो इस मिशन में मैं अकेले जाऊंगा। तो सबसे पहले ओवरवर्ल्ड में इस कोऑर्डिनेट्स पर जाने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है, फिर मुझे लगता है कि ये पक्का नेदर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो मैं नेदर के अंदर घुस के इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचता हूं, और वहां पर मुझे ये मिलता है। ओके गाइस तो ये रहा वो बिल्ड जिसके अंदर मेरे को जाना है और शील्ड को ऑब्टेन करके आना है गाइस, लेट्स गो। मैं भी फुल प्रिपेयर होकर आया हूँ, छोड़ूंगा नहीं अंदर, जो भी लोग होंगे सबको पेल के आऊंगा। चलते हैं, और वो शील्ड तो मेरी है भाई, ओसिरिस को क्या लगता है वो ऐसे ले लेगा। एक सेकेंड, हेलो हेलो युग, क्या कर रहे हो यहाँ पे? वही जो आपको पता है ओसान भाई, मैं यहाँ पे शील्ड को लेने आया हूँ। तो ले लो फिर, हम तीन देख रहे हो साथ में हम। ओके शील्ड मेरे को पीछे दिख रही है, देख लो आसान भाई मेरे को चुपचाप लेने दो, नहीं तो यहाँ पे सीन होगा फिर आप ही बोलोगे। भाई देखो इतने आसानी से तुम्हें शील्ड मिलने वाला है नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो हम तीनों को मार के ले लो, इजी पीसी।
ओके, मतलब तुम लोग गाइस मानने वालों में से नहीं। अरे भाई गाइस को खाली करते आ जाओ, बहुत हो गया इसका। गाइस मैंने बोला था कि चुपचाप मेरे को लेने दो, पर नहीं। अभी अभी देखते ना कौन क्या लेता है। रुको एक जस्ट वेट फॉर मी। दोस्तों छोड़ना नहीं है इसको, खत्म करो भाई। ऐसे ऐसे कोई भी आके थोड़ी ले जा सकता है, इतनी मेहनत से हमने लिया है। रौनक तो गया भाई, रौनक को बहुत चुला। ओ शिट, लेट्स गो भाई, खत्म कहानी, खत्म भाई, लेट्स गो। सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। वो लेट्स गो, खत्म, लेट्स गो। एक गया, अभी 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 दो ही बचे, खत्म। लेट्स गो। अबे रुक भाई, मैं हूँ अभी अकेला बचा हुआ भाई। बेटा आप क्या कर लोगे आसान भाई, जब ये लोग कुछ नहीं कर पाए। बचने नहीं वाले आप आसान भाई, कितना भी ट्राई क्यों ना करना। ओ शिट, कहाँ भाग रहे हो? एक सेकंड भाई, कहाँ भाग रहे हो? ओ एक, अरे भाई एप्पल साइड हट जा यार। अरे अरे ओ एक, ओ ओ नो ओ नो ओ नो, ओ शिट ओ शिट ओ नो। खत्म, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। जैसे पहले और कोई है फटाफट से मैं काम करता हूँ, शील्ड ऑब्टेन करके ऐसे निकलता हूँ, ठीक है? चुपचाप चुपचाप चुप, इन्वेंटरी खाली करो, इन्वेंटरी खाली करो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके इसको निकालो, शील्ड आ गई। ओके लेट्स गो शील्ड, प्रोटेक्शन 255 है शील्ड के अंदर, शील्ड आ चुकी है। लेट्स गो भाई, फटाफट से निकलते हैं इससे पहले कि कोई और मेरे पीछे पड़ जाए, ठीक है? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फटाफट से एस्केप करते हैं और कोई पोर्टल को ढूंढते हैं और फटाफट से ओवरवर्ल्ड के लिए निकलते हैं। मेरे पास अभी शील्ड तो आ गई थी, पर प्रॉब्लम यह है कि ये वो लेजर अटैक्स को सिर्फ 3 बार ब्लॉक कर सकती है और तीसरा अटैक होते ये टूट जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ 3 चांसेस है ओसिरिस को मार कर गिराने के। लेट्स सी मैं उसको मार पाता हूँ कि नहीं आज। फिर मैं निकल जाता हूँ ओसिरिस को मारने के लिए। वहीं रुक जाइयो, आखिर कब तक अपने पुतलों को भिजवाता रहेगा मेरे हाथों मरने के लिए? तुझे क्या लगता है मेरा गुस्सा इन पुतलों को मार के शांत होगा? देखो ओसिरिस, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा तुम किस गुस्से की बात कर रहे हो। मैंने एक बार तुम्हें मारा था वो जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम ऑक्शन में मेरे से पहले जीत जाते, इसलिए और कोई रीजन नहीं था, और उसके लिए इतना सब करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब कुछ केवल एक ऑक्शन के लिए नहीं है योग, भूल गया? ये ग्रेव ठीक इसी जगह मेरे भाई को मारा था तूने, उसका बदला है ये। तुम्हारा भाई? तो अब तुझे मेरा भाई भी याद नहीं? ना मैं याद हूँ, ना रोथेस याद है, कुछ भी याद नहीं। किस भाई की बात कर रहे हो? मैं रोथेस भाई को जानता हूँ, पर तुम ये किस भाई की बात कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, और मैंने किसी भाई भाई को नहीं मारा। झूठ बोलना बंद करो योग। देखो ओसिरिस, मैं अभी भी सही बोल रहा हूँ, मैंने किसी भाई भाई को मारा नहीं है। योग तुम कुछ भी करके मुझे बहका नहीं सकते, मैं इसे हमेशा के लिए आज यही खत्म कर देने वाला हूँ। नहीं ओसिरिस, देखो नहीं। अब तुझे कौन बचाएगा योग? ओसिरिस, ओ, 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 बच गया। Shit guys, उसने एक बार, मैंने एक बार तो रोक दिया, मैंने एक बार तो रोक दिया उसके अटैक को। वो बच गया। वेट, ओसिरिस कहाँ पे? ओसिरिस दिखाई नहीं दे रहा, व्हाट? एक सेकंड, गया कहाँ पे वो? अबे उसका आर्मर गया, उसका आर्मर कहाँ पे? वेट वो भाग रहा है। वेट, ओसिरिस किधर भाग रहे हो? कि कहाँ भाग रहा है? वेट वेट वेट, ये भाग कहाँ पे रहा है भाई? वेट, इसे अचानक से हो क्या गया? अबे इसे क्या हो गया? ये किधर भाग रहा है? ओसिरिस भागने की कोशिश मत करो। अबे कहीं पे दिखाई नहीं भी दे रहा, कहाँ पे गया यार ओसिरिस? वेट गाइस, कुछ ऐसा तो नहीं है कि अगर वो इस पावर को सिर्फ एक बार यूज कर ले तो उसके बाद कोई कूलडाउन लग जाता होगा? लाइक गाइस आप लोगों ने नोटिस किया, जब जब उसे ज्यादा गुस्सा आया है तब तब उसके शरीर पे आर्मर ऑटोमेटिक आ गया है, तो इसका मतलब इस आर्मर का कोई तो कूलडाउन होगा कि लाइक जैसे इसने एक बार इसकी पावर को यूज किया उसके बाद कोई कूलडाउन है और वो उसको यूज नहीं कर सकता इसलिए वो भाग गया। अभी मैं शील्ड को सिर्फ 2 बार यूज कर सकता हूँ क्योंकि एक बार तो मैंने इसका अटैक ब्लॉक कर दिया था। अब मेरे पास सिर्फ 2 चांसेस है और सिर्फ 2 चांसेस के अंदर मुझे ओसिरिस को खत्म करना होगा। अब ओसिरिस को खत्म तो कर दिया जाएगा अगले एपिसोड में, जो बहुत जल्द आएगा।